गाइस वेलकम टू बैक माय अनदर ब्लॉग। फाइनली पहुंच चुके हैं अपना स्टेशन और का एग्जाम होने वाला आरआरसी का। 11 घंटा लगातार बैठने के बाद हम लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। और गाइस यहां से रेलवे स्टेशन शुरू होता है प्रयागराज का। गाइज वेलकम टू बैक माई अनदर ब्लॉग। जैसा कि देख सकते हैं गाइज, मेरे आगे का जो फ्रंट कैमरा है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जिसके कारण से मैं पीछे का कैमरा से ज़्यादातर वीडियो शूट करता हूँ। सो गाइज, आज का ब्लॉग बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि हम जाने वाले हैं आउट ऑफ झारखंड। तो अभी हम जाने वाले हैं रेलवे स्टेशन अपना, उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे। सो गाइज, फाइनली हम अपना स्टेशन आ चुके हैं और यहाँ से इंटर करने वाले। सो हेलो गाइज, हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपना स्टेशन और गाइज हम अंदर आ चुके हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेन है और हम लोग यहीं से निकलने वाले हैं। और हम लोग का जो ट्रेन है वो 7:15 में है, अभी कुछ टाइम बचा हुआ है। मेरे साथ में मामा जाने वाले हैं, तो घर उनका पास में ही, तो इधर से आएंगे शॉर्ट से, उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे। फाइनली मामा आ चुके हैं पैदल पैदल, बस यहाँ से हम लोग फिर निकलेंगे। तो गाइज फाइनली ट्रेन आ चुकी है और हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे और आज मेरा ट्रेन का पहला सफ़र रहेगा। काफ़ी भीड़ है, जो कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला आरआरसी का, सभी स्टूडेंट लोग जाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार। और ट्रेन आ चुकी है गाइज, तो फाइनली हमने ट्रेन के अंदर आ गए हैं और यहाँ से जर्नी शुरू होगा। ये मेरे साथ मामा, मेरे मामा जी, और यहाँ से कुछ देर में ट्रेन छूटेगी 5 मिनट में। फाइनली हमने दूसरे स्टेशन आ चुका है और यहाँ से ट्रेन चेंज करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ हम लोग हजारीबाग से बैठे थे वहाँ से कोडरमा तक ही था और हम लोग यहाँ से ट्रेन चेंज करने वाले हैं। गाइज फाइनली हम लोग 11 घंटा लगातार बैठने के बाद हम लोग प्रयागराज पहुंचे हैं और बस हम लोग अभी यहां से होटल जाने वाले हैं, फिर होटल में रुकेंगे, उसके बाद कल सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है मामा का।
गाइस फाइनली यहाँ पे ये प्रयागराज का स्टेशन है और यहाँ से इंटर होने वाला है और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और इसके बाद हम लोग फिर कोई होटल या कोई धर्मशाला में रुकेंगे क्योंकि कल सुबह एग्ज़ाम है सेकंड शिफ्ट में, तो अभी हम लोग कहीं पे रुकेंगे। प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया में फैला हुआ है। अपना रूम ढूंढने के लिए जा रहे हैं बिकॉज बहुत रात हो चुकी है और बारिश भी हो रही थी जिसके कारण हम लोग लेट कर गए हैं और हम लोग रेलवे स्टेशन से टाउन की तरफ जाने की कोशिश करें ताकि हम लोग को रूम मिल सके, फिर हम लोग रूम जाएंगे। यहाँ से रेलवे स्टेशन शुरू होता है प्रयागराज का, जो कि काफ़ी भीड़ है और देख सकते हैं। उसके बाद इधर पार्किंग है, फाइनली अपना लोकेशन में आ चुके हैं रूम के लिए और फिर यहाँ से अंदर जाने वाले हैं। टोटो वाले भैया को भाड़ा दे रहे हैं। गाइस हम लोग का ये रूम मिला है बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ऊपर देखने के लिए गए हैं कि ऊपर में सोना है बरामदे में क्योंकि ये सब रूम फुल हो चुका है, देखने के लिए मामा सब गए हुए हैं और यहाँ का कुछ सीन इस तरह है। थोड़ा लेट कर गए हम लोग बिकॉज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हम लोग लेट हो गए। दोस्तों आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं।